तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शान ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। उसी के साथ में अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो उस चीज का जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के बाद में आज हम बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में कल का मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करा था, मैंने कल लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सका, थोड़ा मैं काम में बिजी था। तो उसी के बारे में कल हमने शॉर्ट वीडियो में एक अच्छा खासा ट्रेंडलाइन डिस्कस करा था, आप एक बार जाके वीडियो देख सकते हो शॉर्ट वीडियो। उस चीज पे उसके हमने ये बोला था अगर प्राइस अपने आप में गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर प्राइस अपने में एक बार कंटिन्यू फॉल करता है उसके बाद में अगर मार्केट अगेन ट्रेंडलाइन के आसपास अपने में रिटेस्ट करके अगेन पुलबैक में कुछ नीचे आता है तो उसके में हम पीसेट प्लान करने वाले थे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में 51,000 जो एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया भी हमने डिस्कशन किया था। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी उस एरिया के आसपास आया, प्राइस अपने को अपने टारगेट दिया और उसी के बाद में प्राइस अपने स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव करा है। कहना कि ऑप्शन सेलर डे हो गया था, मार्केट में सिर्फ एक घंटा अपने को अच्छी खासी सेलिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू अपने आप में साइडवेज था। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन, हम कल के लिए बोले तो वन डे टाइम फ्रेम में कैसा क्या कैंडल बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मार्केट में जो वन डे टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा लोअर हाई फॉर्म लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। और उसी के बाद में हमने प्रीवियस टाइम पहले भी डिस्कशन किया था, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बाइंग के तरफ थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, बाइंग के तरफ मैं तभी प्लान करूंगा जब प्राइस इस एरिया के ऊपर निकलेगा, तभी मैं इस एग्रेसिवली बाइंग की तरफ साइड प्लान करूंगा। बट अभी मैं बियरिश इस वजह से हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ प्राइस मल्टीपल टाइम बोले तो अपने में एक अच्छा खासा लो लगाया, कंटिन्यू सेलिंग करा, लो लगाने के बाद प्राइस अपने में एक बार पुल बैक के लिए ऊपर गया जैसा आपको ट्रेंडलाइन के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में एक अच्छा खासा अपने में एक रेजिस्टेंस क्लियर करा, उसी के बाद में अगर प्राइस अगर अपने आप में कुछ अगर कंटिन्यू आता है तो ये कहना कि लोअर लो फॉर्मेशन बन सकता है और मार्केट में अगेन अपने को एक अच्छा खासा निगेटिव ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि अपने में 50,000 एक अच्छा खासा प्योरली साइकोलॉजिकल एरिया। तो अगेन अपने को अगर सेलिंग कंटिन्यू आती है, अगर प्राइस 51,000 जो है ये भी अपने एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया ही है, अगर प्राइस को इस ये एरिया जो है ये अपने आप में 51,000 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर प्राइस को मूवमेंट करना हो तो मार्केट अपने आप में कुछ एक दो दिन में अपसाइड मोमेंटम कर देगा, या फिर अगर मार्केट को अगर अपने आप में नेगेटिव जाना हो तो अगर या फिर मार्केट में अपने में करेक्शन करना हो तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपने को एक क्विक एंड फास्ट एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस 51,000 ये एरिया के नीचे गलती से भी अगर सर्वाइव करता है सस्टेन करता है तो मार्केट कंफर्म अपने में 50,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया तक अपने को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैंने एक बार एक तो लोअर लो फॉर्मेशन पे मैं ट्रेड करूंगा, अगर मार्केट 51,000 के नीचे निकलता है मार्केट में 50,000 तक मैं फ्यूचर बुलर लॉन्ग कर सकता हूँ, 51,000 आने वाले टाइम में अपने को टारगेट देखने मिल सकते हैं। या फिर प्राइस इस एरिया के आसपास एक डब्लू पैटर्न बना के रिवर्स करता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस सेलिंग की तरफ आया पुल बैक करा, अगेन सेलिंग की तरफ आया कुछ डब्लू पैटर्न मिला। अगर प्राइस अगर इसी जोन के आसपास से अपने में कुछ पुल बैक 51,000 के पास से अगर पुल बैक करता है रिवर्स करता है तो अपने को ऑब्वियसली चीजें समझ में आएंगी, ये प्राइस के ऊपर निकलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी डब्लू पैटर्न है, यहाँ पर भी डब्लू पैटर्न है, अगर यहाँ से प्राइस अगर कंटिन्यू फॉल करता है तो मार्केट अपने आप में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर आपको सेलिंग के लिए आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन डे टाइम में बैंक निफ्टी में अपने को एक अच्छा खासा एक इनवर्ट बोलते हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, आपकी चॉइस। अगर प्राइस हेड एंड शोल्डर के हिसाब से चलोगे तो आपको इस एरिया के अगर नीचे प्राइस निकलता है तो भी हम आप पी एस आई प्लान करके 50,000 तक हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब देखते हैं मार्केट अपने प्राइस जो है हमको प्राइस एक्शन पे बिलीव करना चाहिए, अगर हमको जैसा प्राइस एक्शन मिले हम उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे तो हम थोड़ा सा 15 मिनट में अगेन आ जाएंगे और हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन डे टाइम फ्रेम में बोले 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी जो है प्राइस अपने अपने प्रीवियस टाइम पे लोअर लो फॉर्मेशन लोअर हाई फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू लोअर बोले तो नीचे की तरफ आया था और अगेन अपने में इस एरिया के आसपास 51,000 एरिया के आसपास अपने में वेट करके अभी सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में कुछ अपने को एक अच्छा खासा बियरिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो कि बियरिश फ्लैग पैटर्न भी हम उसको बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट जो है अब मैं फॉलिंग बेस पैटर्न अच्छा बना रहा है, अगर मार्केट देख सकते हो मार्केट जो है अपने में कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आया और यहाँ पर अभी देख रहे हो कि स्लो एंड स्टडी अपने में सर्वाइव कर रहा, स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले भी मार्केट जो है अपने में एक रेंज के अंदर था, कहना कि मार्केट अपने में निगेटिव सेंटिमेंट में था, अगर मार्केट इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन करता था तो मार्केट अगेन अपने में फॉल करता था। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चीजें जो है वो सब में अराउंड 51,000 जो आज अच्छा खासा अपने में सपोर्ट एरिया था एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास यही सेम पैटर्न
बना था, पर आप देख सकते यही सेम पैटर्न बना था और वही से प्राइस अपने में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम कर चुका था। तो उसी के बाद में हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, जैसे कि हमने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी बताया, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेंड लाइन का टारगेट कहां तक रखना चाहिए जहां से प्राइस स्टार्ट होता है। अगर प्राइस का कल इस एरिया के पास फ्लैट ओपन होता है और प्राइस अपने में कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है, 51,000 हम एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट 51,000 एक अच्छा खासा क्रूशियल एरिया है। एक्जैक्टली अगर आपको 51,000 अगर प्राइस टच भी होता है तो आपका जो भी पोजीशन आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना, क्योंकि ये जो एरिया है ये अच्छा खासा अपने में बहुत अच्छा खासा एरिया है। आज एक्जैक्टली इस एरिया के आसपास मेरा थोड़ा सा अच्छा खासा इस एरिया के आसपास मुझे प्रॉफिट बता रहा था। प्रॉफिट बताने के बाद प्राइस जब स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने लगा तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज समझ में आ गई, अगर मैं इस एरिया के आसपास अच्छा मुझे मिल जाता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था। बट कोई बात नहीं, मुझे ऑलमोस्ट इस फॉल का जो प्रॉफिट था वो मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। तो उसी के बाद में अगर प्राइस जैसे कि आपको बताया फ्लैट ओपन होता है, हम पी सेट प्लान करके 51,000 का मिनिमम प्लान करेंगे। उसी के बाद में अगर देखो यहाँ पर एक चीज समझना, अगर प्राइस का फ्लैट ओपन हुआ तो प्राइस जो मार्केट जो अपने में कहीं ना कहीं निगेटिव ट्रेंड में है, उसी के बाद में अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू आता है 51,200 जो है ये अपने में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, प्राइस कंटिन्यू नीचे आता है 51,000 इस एरिया के आसपास सपोर्ट बनाता है। और हमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ डब्लू पैटर्न देखने को मिलता है, इस एरिया के यहाँ पर डब्लू पैटर्न देखने को मिलता है। हमने आपको वन डे टाइम फ्रेम में भी बताया डब्लू पैटर्न क्या होता है। तो अगर प्राइस हम बुलिश कब होंगे, अगर जब प्राइस 51,200 इस एरिया के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करेगा, हम उसी एरिया में उसी टाइम हम पी से बोले तो कॉल साइड हम बाय कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट है 51,400 और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आने वाले टाइम में फिर हम सेकंड टारगेट के लिए प्लान करेंगे 51,600 बोले तो बस ये दो टारगेट के अलावा अगर मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन करके अगेन हायर फॉर्मेशन बनाता है तो मार्केट में अगेन अपने को अच्छा खासा अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी मार्केट जो है आने वाले कुछ चार बोले तो इस अक्टूबर महीने में मार्केट में एक अच्छा खासा अपने को बड़ा मूवमेंट बोले तो एक बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप मेरे चीजों को फॉलो कर लो, आने वाले टाइम में अगर कोई भी चीज हो मुझे मालूम पड़े तो मैं उस चीज को आपके बारे आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज मालूम पड़ती है तो आप कमेंट में बताओ, हम मिलके बात डिस्कशन करेंगे उस चीज पे। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया, अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है, प्राइस स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आता है तो मैं एक पी साइड प्लान करूंगा, 51,000 टारगेट प्लान करूंगा। या फिर मार्केट का अगर फ्लैट ओपन होता है और प्राइस अपने में एक बार रिटेस्ट करके अगेन इसी एरिया के आसपास जाता है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर प्राइस अगेन मालूम पड़े कि प्राइस अपने में कंटिन्यू जा रहा है इस एरिया के आसपास रिटेस्ट करके मार्केट पुलबैक में ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो मार्केट को एक बार 51,000 एक बार रिटेस्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद में हम कॉल से ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट का गैप अप ओपन होता है 51,400 तो हमको पहले इंडिकेट हो जाएगा कि मार्केट जो है अपने आप में ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। बट अगर गैप अप ओपन होता है अगर तो हमारा सेंटिमेंट जो है गैप अप ओपन होने के बाद फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा वो भी चीज मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस लोअर रेंज लोअर लो पर आ रहा था, अपने आप में कंटिन्यू फॉल करा वेट करा, अगर प्राइस का इस एरिया के पास गैप अप ओपन होता है तो अगेन अपने को मार्केट एक बार रिटेस्ट करेगा 51,200 इस एरिया के आसपास रिटेस्ट करेगा और अगेन यही से अपने को कुछ अच्छा खासा डब्लू पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में जो ये ट्रेंड लाइन अभी भी आ रहा है नीचे की तरफ से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी अपने को एक अच्छा खासा वर्क कर सकता है। मार्केट ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी मार्केट अच्छा खासा बाउंस करता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी अपने सपोर्ट बना के कंटिन्यूएशन में हम इस कॉल सेट बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट का कल गैप अप ओपन हो जाता है 51,400 के बहुत बड़ा ऊपर तो उस केस में हम थोड़ा सा मिनिमम 5-10 रुपए का एक छोटा एसएल डाल के हम मिनिमम प्राइस रिटेस्ट करने के लिए जब आएगा तो हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के 40-50 रुपए के लिए मिनिमम पी सेट प्लान कर सकते हैं। कब अगर मार्केट का बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तब हम मैं स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ आपको। अगर आप इस चीज का जो है मैं तो इंस्टा टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर लेना एक बार। तो उसी के बाद में अगर प्राइस गैप अप ओपन हुआ ये भी क्लियर हो गया, प्राइस अपने में स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है इस एरिया के आसपास से, तो हम कॉल सेट प्लान करके फिर हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो बड़ा रखेंगे। आने वाले टाइम में अपने 52,400 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम थोड़ा सा अभी निफ्टी 50 के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो निफ्टी 50 जो है निफ्टी 50 भी अपने आप में एक अच्छा खासा सेलिंग के बाद निफ्टी 50 अपने में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का इस एरिया के आसपास अपने में कुछ
निफ्टी का कुछ इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के कारण निफ्टी एक बार नीचे की तरफ आया, स्पाइक लगाया, इंडिकेट हो गया, मार्केट एक बार अपने में कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट करा और अगेन निफ्टी 50 अपने में कंटिन्यू में सेलिंग की तरफ आया है। और उसी के बाद में निफ्टी 50 अपने में एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ सर्वाइव कर रहा था। तो उसी के बाद में हम निफ्टी का थोड़ा सा सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में बात कर लेंगे, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अच्छा खासा चीजें समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में जो है अगेन अपने में एक अच्छा खासा प्योरली पॉज कैंडल देखने को बोले तो पॉज कैंडल देखने को मिल रहा है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस टाइप का जो पॉज कैंडल है, कहना कि प्रीवियस टाइम पहले इस एरिया के आसपास भी बना था और उस एरिया के आसपास बनने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो इस एरिया के आसपास जो पॉज कैंडल बना था एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास सेम कैंडल बना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम कैंडल बना है। अगर कैंडल इस कैंडल का जो सेम कैंडल बनने की वजह से अगर मार्केट गलती से भी निफ्टी इस एरिया के नीचे आया तो निफ्टी कंटिन्यू अपने में फॉल करके 24,800 और 24,500 तक 600 तक हमको अच्छा खासा निफ्टी में आने वाले टाइम में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ जरूरी नहीं ये कैंडल पॉज है तो मार्केट सेलिंग की तरफ ही आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल एक अच्छा खासा पॉज कैंडल बना था बट चीजें मैटर करती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ट्रेंड है कहना कि अपने में कंटिन्यू अप ट्रेंड में था तो उसके बाद में मार्केट अपने इसी वजह से मार्केट कंटिन्यू अप गया उसके बाद में सेलिंग की तरफ आया। बट यहाँ पर क्या अभी मार्केट जो है कंटिन्यू अपने में फॉल कर रहा है, कुछ लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर निफ्टी इस एरिया के नीचे निकलता है तो निफ्टी अगेन अपने में 24,800 तक भी अपने को मंडे के दिन टारगेट देखने को मिल सकता है। और हमने जैसे कि बताया अगर निफ्टी 24,800 सर्वाइव करता है तो निफ्टी 24,600 से लेके 400 तक भी आने वाले टाइम में अपने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के बाद हम फटाफट 50 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो निफ्टी में 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दो चीजें हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी तो अगर अपन 24,700 से अगर हम कैलकुलेट कर ले निफ्टी अपने में यहाँ से इस एरिया के आसपास से कंटिन्यूशन में हायर बोले तो एक अच्छा खासा हाई लगाया। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को एक बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी जो है कहना कि अपने में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, अच्छा से आपको एक अच्छा सा बुलिश फ्लैग दिख रहा होगा। निफ्टी अपने में कंटिन्यू हाई लगाया उसके बाद निफ्टी अपने में मल्टीपल टाइम एक रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है, एक रेंज के अंदर सर्वाइव कर रहा है। अगर निफ्टी इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी अपने में 25,000 है साइकोलॉजिकल एरिया है, कंफर्मेशन के लिए हम इसको साइकोलॉजिकल एरिया को प्लान करेंगे। अगर निफ्टी का 25,000 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होता है या 15 मिनट का कैंडल कोई भी क्लोजिंग होता है तो हम उस केस में एक सीसीआई प्लान कर सकते हैं और हमारे को अगेन एक अच्छा खासा अगेन 25,200 निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी यहाँ पर आपको निफ्टी में एक लोअर रेंज के आसपास भी एक ट्रेंड लाइन है और निफ्टी अपने में एक अच्छा खासा स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन होने की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो निफ्टी अपने में एक ट्रेंड लाइन के आसपास वेट कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी अगेन अपने में 24,900 और अगर 24,900 इस एरिया के नीचे अगर निफ्टी कंटिन्यूशन में निकलता है तो निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो 24,800 और 24,700 तक हमको निफ्टी में अच्छा टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो उस हिसाब से व्हाट इफ अगर कंफ्यूजन कब होगा, अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली 24,800-900 इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है तो हम सेम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर अपने में निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जाता है 25,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया होने की वजह से निफ्टी 25,000 साइकोलॉजिकल एरिया के आसपास अपने में कुछ सपोर्ट बनाता है या रिटेस्ट करके कुछ पुलबैक में नीचे आता है तो ही हम पी साइड प्लान करेंगे और हम एक ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा टारगेट मिनिमम बड़ा हो जाएगा और 24,700 एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का गैप अप ओपन होता है 25,100 तो फिर अगेन अपने को जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है तो अगर गैप अप ओपन होता है तो हम 5-10 रुपए का एसएल लगा के 20-25,000 हम एक मिनिमम पी साइड प्लान करेंगे। 25,000 एक अच्छा खासा प्योरली साइकोलॉजिकल एरिया होने की वजह से निफ्टी अगर प्राइस 25,000 के ऊपर रहता है तो हम पॉजिटिव प्लान करेंगे, अगर निफ्टी प्राइस जो 25,000 के नीचे रहता है तो हम थोड़ा सा निगेटिव प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी का 25,000 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और निफ्टी 25,000 के बाद अपना वेट बना के अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है हम उसके में हम एक सीसीआई प्लान करेंगे और 25,200 एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट मिनिमम बड़े रखना, अपने को निफ्टी में बैंक निफ्टी में अच्छे खासे अपने को लॉन्ग टर्म बोले तो अच्छे खासे टारगेट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड बोलो या डाउनसाइड बोलो, अगर डाउनसाइड मार्केट फॉल करता है तो मार्केट में ऑब्वियसली प्रीमियम भी बहुत अच्छे स्पाइक करते हैं और ऑप्शन जो मार्केट में जो सेलिंग डे होता है
सेलिंग जो है, सेलिंग ऑलवेज बहुत अच्छा खासा पैसा बना के देती है, तो उसी के साथ में अगर मार्केट फॉल करता है तो ऑब्वियसली अच्छा फॉल होगा। अगर प्राइस अपने में रिवर्स करता है तो निफ्टी अगेन, निफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्स है वो अगेन अपने में एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं। और मार्केट जो है जब भी अपने में, जैसे जब लास्ट टाइम 2023 बोलो या 2022 बोलो, जब भी मार्केट का न्यू ईयर आता है या मार्केट का बोलो तो साल का जब भी एंड होता है, तब भी मार्केट अपने में कहना कि ऑल टाइम हाई पर ही रहता है। तो इस हिसाब से अभी मार्केट में ज्यादा वक्त नहीं है, तो मार्केट अभी अपने अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। आने वाले टाइम में आप देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं वहां पर आपको जाके 100% उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।